तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच खूनी जंग होने लगी है। इतनी कड़ी सुरक्षा रखने के बाद भी कैदी जेल में ही हाथ से चाकू और सुए बना लेते हैं और इसी से बदमाशों पर वार करते हैं। इस बार खून खराबा सिर्फ बदमाशों में ही नहीं हुआ, इस बार एक पुलिसकर्मी पर भी बदमाशों ने चाकू से वार कर दिया। अब हालत ये हो गई है कि बदमाश पुलिस अफसरों पे भी वार करने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। तिहाड़ में खून खराबी की ये घटना जेल नंबर 3 में हुई। इसकी शुरुआत रात 11 बजे हुई, जब एक कैदी ने दूसरे कैदी पर हमला कर दिया। घायल कैदी को जेल नंबर 3 के ही अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ उस कैदी के ऊपर एक अन्य कैदी ने हाथ से बने चाकू से हमला कर दिया। कैदी की कमर और अन्य हिस्सों में चाकू के कई वार किए गए। कैदी को बचाने आए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अविश तोमर को कैदी ने बिना संकोच किए पुलिसकर्मी पर भी चाकू से हमला कर दिया। जेल अफसर और गंभीर रूप से घायल हुए कैदी विशाल को जेल से DDO अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां दोनों का इलाज किया गया था। मामले में पुलिस सूत्रों का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जेल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज को भी चेक कर पता लगाया जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। इसके कुछ दिन पहले भी इसी जेल नंबर 3 में एक और कैदी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। उस कैदी को भी लहूलुहान कर दिया गया था। इसके बाद कुछ दिनों की शांति रहने पर जेल नंबर 3 में दोबारा झगड़ा हुआ, जिसमें कैदी के ऊपर 2 बार जानलेवा हमला किया गया, पहले जेल के अंदर फिर जेल के अस्पताल में। जेल अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। मौके पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी चेक करके पता लगाया जाएगा कि आखिर असल मामला कहां से शुरू हुआ था, और जरूरत के मुताबिक कैदियों को ट्रांसफर किया जाएगा।